गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का जो मूवमेंट था उसको उन्होंने किस तरह से मजबूती प्रदान की? देखिए, श्रीमती गांधी का समय आते आते, खासतौर से उनके कार्यकाल के आखिरी 5 सालों में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्वरूप बहुत लंबा चौड़ा और बिहड़ हो गया था और उसमें बहुत सारे ऐसे मुल्क भी शुमार हो गए थे जो बहुत तटस्थ रूप से गुट निरपेक्ष नहीं कहे जा सकते हैं। लेकिन ऐसी हालत में भी भारत को हमेशा उन्होंने एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा न सिर्फ दिलवाई बल्कि लोगों से उसे मनवाया भी, और मैं सोचती हूँ कि उस समय यही उपलब्धि सबसे बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि पूरा जो आंदोलन है उसके लिए न तो उनको उत्तरदायी माना जा सकता है न माना जाना चाहिए, लेकिन भारत की जो गुट निरपेक्ष छवि थी उसको उन्होंने बरकरार रखा। जैसे कि एक वाकया है, वो जब एक बार वाशिंगटन गई थी, और मुझे याद है तब मैं वाशिंगटन में ही थी और उनका एक टेलीविज़न में इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ था। ये वो वाकया था जबकि कहा जाता था कि उनको राष्ट्रपति निक्सन ने बहुत अच्छी तरह से रिसीव नहीं किया था और ठंडाई से उनके साथ पेश आए थे। तो श्रीमती गांधी ने ये इंटरव्यू दिया और उसमें इंटरव्यूअर ज़ाहिर था तैयार हो के आया था उनको ग्रिल करने के लिए, और बड़ी कूली उन्होंने बहुत शांति से बिना उत्तेजित हुए, क्योंकि आपको तो पता है कि वहाँ लोग जिसका भी साक्षात्कार लेते हैं उसको उत्तेजित करने की भरसक कोशिश करते हैं, और माहौल भी ऐसा था, तनाव का माहौल था, बांग्लादेश वॉर छिड़ने वाली थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी गुट निरपेक्ष नीति क्या है, नहीं आप किस ओर झुकते हैं, उत्तर की दक्षिण? तो उन्होंने कहा कि ना हम उत्तर की तरफ झुकते हैं, ना हम दाहिनी ओर झुकते हैं, ना हम बाईं ओर झुकते हैं, वी स्टैंड स्ट्रेट एंड टॉल। तो ठीक है, हर एक राष्ट्र की अपनी कुछ अंदरूनी नीतियाँ होती हैं, उसमें कभी किसी देश के प्रति झुकाव या किसी गुट विशेष के प्रति झुकाव हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा वी स्टैंड स्ट्रेट एंड टॉल, तो मेरे ख्याल में हर एक भारतीय को इस चीज़ से एक गर्व सा महसूस हुआ कि जो राष्ट्र का प्रमुख है उसने दुनिया के सामने ये बात रखी है कि हम किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। कोई छोटा नेता अगर ये बात कहता तो लोग शायद ये नहीं मानते। मिसेस गांधी की छवि विदेश में बहुत मृदु व्यक्ति की नहीं थी, उनको एक तरह से कठोर और काफ़ी कुछ हद तक अपनी इच्छा चलाने वाली महिला, लौह महिला माना जाता था, लेकिन इसके साथ ही एक उनके प्रति गहरे सम्मान का भाव था, और उनके जो बड़े से बड़े शत्रु या कई आलोचक थे वो भी ये मानते थे कि ये अपने देश के लिए बहुत अधिक लगाव रखती हैं और इनको अपने देश पर बहुत नाज है। तो जितना नेता को देश पर नाज होगा उतना ही देश को भी दूसरे देशों से आदर मिलता है, और ये चीज़ हमेशा जब भी श्रीमती गांधी देश के बाहर जाती थी तो ये चीज़ प्रेस भी पकड़ता था और वो भी इसका ख़ास ख्याल रखती थी कि किसी भी प्रकार से भारत की छवि को लेकर कोई हल्कापन ना हो। बल्कि एक वाक्या ये भी कहा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक यूरोप में जो मीटिंग हुई थी उसके दौरान ये हुआ कि जो यूरोप के समृद्ध मुल्क थे उनके नेता और सोवियत नेता और अमरीकी नेता एक कोने में अलग खड़े होकर बातचीत कर रहे थे और तीसरी दुनिया के विकासशील मुल्कों के बाकी नेता दूसरे हिस्से में थे। तो मिसेस गांधी ने अचानक ये शायद नोट किया और तुरंत वो उस ओर गईं और उन्होंने उनसे बातचीत की। तो ठीक है, ये इससे ये साबित नहीं होता है कि हमारे मुल्क को उन्होंने हठात कोई बहुत बड़ा आदर दिलवा दिया, लेकिन उनमें ये दमखम था कि वो ये जानते हुए भी कि वो एक गरीब और विकासशील मुल्क की प्रतिनिधि हैं कभी भी इसको अपनी छोटाई का पैमाना नहीं मानती थी, बल्कि जब भी बात करती थी विकसित मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से तो बराबरी से बात करती थी, और ये जो बात थी बड़ी बखूबी वो कन्वे भी करती थी। तो इससे एक ये होता था कि भारत के प्रतीक के रूप में उनको तो मान्यता मिलती ही थी, भारत को भी एक प्रकार की गंभीरता से लिया जाता था, जो मैं समझती हूँ कि एक उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। नस्लभेद और रंगभेद के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लगातार लड़ी, जो आवाज़ उठाई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नस्लभेद और रंगभेद के खिलाफ मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने ही पहली बार आवाज़ उठाई या उन्हीं की अकेली आवाज़ थी जो भारत से उठी, लेकिन ये ज़रूर था कि चूँकि उनका व्यक्तित्व, जैसा मैंने कहा, काफ़ी आदर पाता था विदेश में, और कुछ उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से, कुछ उनके अपने व्यक्तित्व की वजह से, वो जो कहती थी उसको गंभीरता से और आदर के साथ लिया जाता था, इसलिए कोई छोटा मोटा नेता इस बात को उठाता तो इसका इतना महत्व नहीं होता विदेश में, जबकि जो कि उनके उठाने से होता था, और ये बात वो भी खुद जानती थी, और इसलिए जो ये अहम मुद्दा था जो कि भारतीय मूल के ही नहीं सभी अश्वेत लोगों के लिए
एक ज़रूरी और जीवन का सवाल है, इसलिए वो इस बात को हमेशा उठाती थी। और जब वो उठाती थी तो उसको एक तरह से आदर दिया जाता था जो शायद कोई सामान्य नेता उठाता तो शायद उसको नहीं मिलता। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अश्वेतों की निरादर के खिलाफ उन्हीं ने पहली बार लोगों का ध्यान खींचा, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि रंगभेद की नीति के खिलाफ भारत से उठने वाली या तीसरी दुनिया से उठने वाली एकमात्र आवाज़ उनकी थी। लेकिन चूंकि उनकी आवाज़ उनके व्यक्तित्व के लिए लोगों के मन में आदर था, इसलिए इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया और ये उनका एक कंट्रीब्यूशन है। निरस्त्रीकरण की जो उनकी नीति थी उस पर कचरा प्रकाश डालेंगे और उसका समय जो आप जो निरस्त्रीकरण चल रहा है उसमें उस पर क्या प्रभाव पड़ा? मेरे ख्याल में उनका इसमें कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि निरस्त्रीकरण कायरों के हथियार के रूप में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनके ही समय में जैसा आप जानते हैं पोखरण में परमाणु का बम का विस्फोट हुआ था। तो एक ओर तो उन्होंने विश्व के आगे ये बात रखी कि हमारे पास पूरी क्षमता है कि हम भी अपने परमाणविक अस्त्र बना सकते हैं, लेकिन दूसरी ही ओर उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हम ऐसा करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कि ये एक विकासशील और ऐसे देश के लिए जो बहुत अधिक समृद्ध नहीं है ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है जिस प्रकार से ताकत के खेमे बन गए हैं, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम अस्त्र बनाएंगे ही नहीं, हम बिल्कुल ही निशस्त्र रहेंगे, तो एक और तो आपकी तारीफ ज़रूर की जाएगी कि हाँ हाँ आप बहुत भले हैं, आप अहिंसा के देश हैं, लेकिन दूसरी ओर इसका भरपूर फ़ायदा भी ताकतवर और शस्त्र से सुसज्जित मुल्क उठाते हैं और उठाते रहे हैं। इसलिए जैसा कि एक महात्मा ने किसी से कहा था, एक सांप से कहा था कि तुम काटो नहीं लेकिन फुफकारने का काम मत छोड़ो वरना तुम कुचल दिए जाओगे। तो मुझे लगता है कि जो देश थोड़े से वल्नरेबल होते हैं उनको अपना स्वाभिमान और अपनी क्षमता का बीच बीच में प्रदर्शन करना चाहिए और ये भी स्पष्ट करते चलना चाहिए कि हम इसका वल्गर या बेवजह इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान ने आज तक शायद किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क को ये सोचने का बहाना नहीं दिया है कि वो इस प्रकार की क्षमता का इस्तेमाल करेगा। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि मिसेस गांधी के साथ हमेशा ये था कि लोग मानते थे कि अपने देश में उनका सिक्का चलता है और अपने देश में जो पॉलिसी बनती है उसके निर्धारण में उनका बड़ा हाथ है और उनकी बात का अपने मुल्क में आदर है। इसलिए जब वो अपने मुल्क की प्रवक्ता के रूप में ये कहती थी कि हमारे पास क्षमता है लेकिन हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो इस पर यकीन किया जाता था। और इस तरह से मैं कहूँगी कि एक सार्थक निरस्त्रीकरण। नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशों का जो सम्मेलन हुआ उसमें भी वो अध्यक्ष थी उस दौरान, और उसके बाद आपको क्या लगता है कि कौन सा महत्वपूर्ण काम उन्होंने गुटनिरपेक्ष देशों के आंदोलन को बनाए रखने के लिए किया? आप तो जानते हैं वो बहुत ज़्यादा दिन के लिए तो रही नहीं चेयरमैन नॉन अलाइंड मूवमेंट की, पर मेरे ख्याल में महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कि आप जानते हैं कि ईरान इराक के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो वो सवाल ये था कि वो तो आपस में बात भी नहीं करते थे सामने आमने सामने, तो उन्होंने रात दिन बात करके कंसल्टेशन करके लोगों को बुला के ये किया कि जॉइंट स्टेटमेंट देना था, वो उन्होंने कबूल सबसे कबूल कर लिया। अब इसमें यह है कि कोई नतीजा तो नहीं निकला, लड़ाई चलती रही, पर यह था कि हम एक दायरे के लोग हैं, सारे मुल्क जो हैं 100 से अधिक, तो हमें भी ये दिखाना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि दो मुल्कों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए और अगर चल रही है तो बंद करनी चाहिए। तो इसका असर पड़ा कुछ मेरे ख्याल में। रंग भेद के खिलाफ तो भारत की नीति शुरू से ही रही, उन्होंने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, आप कुछ इस बारे में बताएंगे उन्होंने खास तौर पे क्या किया और किस तरह से भारत की रंग भेद के खिलाफ भूमिका रही? देखिए ये तो ऐसा सवाल है कि ये तो बहुत सालों का सवाल है और रहा है, हिंदुस्तान ने शुरू से 1948 से उन्होंने कोशिश की कि ये पहला मुल्क था जिसने प्रश्न रखा यूनाइटेड नेशंस में, तो उन्होंने ये किया है क्या था कि बहुत मुल्कों के बीच में उन्होंने कंसल्टेशन किए, जो नुमाइंदे थे हिंदुस्तान के सब जगह वो भी कोशिश करते रहे
कि उनका ये था कि भाई ये चीज़ ये है, ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, साउथ अफ्रीका के लिए ख़राब है, दुनिया के लिए ख़राब है, तो उन्हें ये बंद करना चाहिए। और उसके लिए जो अफ्रीकन स्टेट्स थे वो तो आगे थे ही इसमें, तो अपना पूरा उन्होंने सपोर्ट दिया कि हिंदुस्तान आपके पीछे है, तो ये लड़ाई सबको लड़नी है और आप जीतेंगे। तो इसमें उन्होंने कई बार ये सवाल उठाया, खुद उठाया और भारतीय लोग जो थे उन्होंने उठाया। तो इसका तो ये था कि प्रेशर बिल्ड करना था, अहमियत ये है कि भी प्रेशर बिल्ड करना है और दुनिया में करना है, सब मुल्कों में, ये नहीं कि सिर्फ गरीब मुल्कों में, अमीर मुल्कों में भी, कि ये बात बहुत ख़राब है, अफ्रीका के लिए ख़राब है, दुनिया के लिए ख़राब है और ख़त्म होनी चाहिए और जल्दी ख़त्म होनी चाहिए। और अब तो आप देख ही रहे हैं कुछ शुरुआत हो गई है उसमें। अफ्रीकी देशों में उनकी छवि कैसी थी, किन देशों में वो लोकप्रिय थी और किस कारण से? मेरे ख्याल में एक बात ये तो ये थी कि पंडित नेहरू के दिनों में वो कई लीडर्स को मिल चुकी थी, पर सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में टेंजेनिया के प्रेसिडेंट नायरेरे से दोस्ती थी, केन्याता साहब से दोस्ती थी। इसमें टेंजेनिया की ख़ास बात ये थी कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए, आर्थिक सुधार के लिए बहुत सी बातें ऐसी की जो आप कहें गांधीयन सोशलिज्म कह लें, कुछ कह लें, तो वो ये चाहते थे कि नीचे से परिवर्तन होना चाहिए। और इसमें उन्होंने काफ़ी सफलता दिखाई और वो बहुत पसंद करती थी कि ये ऐसे पुरुष हैं कि अपने मुल्क के लिए खुद सोच रहे हैं, ये नहीं कि बाहर से कैपिटलिज्म लेना चाहिए या कम्युनिज्म लेना चाहिए या और कुछ लेना चाहिए, ये अपने सोच के बैठ के कि भाई अफ्रीका की ये बात है और हमें कैसे सुधारनी है, कैसे लोगों को आगे बढ़ाना है। तो उनके साथ ख़ास उनकी दोस्ती थी। और वैसे अफ्रीका, सारे अफ्रीका में एक तो पंडित जी का नाम था, दूसरा ये था कि ऐसे इतने बड़े मुल्क के लिए एक औरत लीडर हैं और सभी मानते हैं उन्हें, तो इसमें जो अफ्रीकी औरतें थीं उनका ख़ास, उनकी ख़ास मोहब्बत थी उनसे कि ये हमारी लीडर हैं एक तरह से। और दूसरी बात ये थी कि वो जो अपार्थाइड की बात है उसमें बहुत ज़ोर से उन्होंने अपनी बातें कहीं और ये साफ साफ जाहिर किया कि हिंदुस्तान उनके साथ है, अफ्रीकी मुल्कों के साथ है और साथ हमेशा रहेगा। इन गरीब मुल्कों के अलावा जो अमीर राष्ट्र हैं, जो प्रगति विकासशील राष्ट्र हैं, वहाँ पर उनकी छवि में और तीसरी दुनिया में उनकी छवि में क्या फ़र्क था? फ़र्क ये था कि जो तीसरी दुनिया की बात है वो ये समझते थे कि ये हमारी हैं, जैसे हमारे लीडर हैं ये भी हैं। और जो शक्तिशाली मुल्क थे वो देखते थे कि वो स्टेट्समैनशिप की बात देखते थे कि ये तो बहुत, जो ये पॉलिसीज़ अपने मुल्क के लिए कर रही हैं ये बहुत स्टेट्समैन लाइक चीज़ें कर रही हैं। और जैसे आप, मैंने किसिंजर साहब के बारे में बताया, तो उनका ये रवैया था, वो इस दृश्य से देखते थे। उनकी इज्जत वहाँ भी उतनी थी? इज्जत तो काफ़ी थी।